अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन जफर टीवी। अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसीज में, गेमिंग पीसी बिल्ड में और गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और जो बेल का नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारी तरफ से लेटेस्ट वीडियो है वो देखने को मिल सके। तो आज हम दोस्तों तीन प्रोसेसर्स का, पीसी प्रोसेसर्स का जो कंपैरिजन करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट प्रोसेसर होगा वो राइजन 5 3600 है, जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है एएमडी की तरफ से। और जो दूसरा प्रोसेसर है वो राइजन 720X है। और जो थर्ड प्रोसेसर होगा वो इंटेल का कोर i9 9900K होगा। तो इन तीनों प्रोसेसर का दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे परफॉर्मेंस वाइज भी, और इनके बेंचमार्क्स भी देखेंगे, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स भी देखेंगे और इनके गेमिंग बेंचमार्क्स भी देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा इन तीनों प्रोसेसर का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि इनकी ओवरऑल जो स्पेक्स हैं वो क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर एएमडी का राइजन 5 3600 देखें, तो ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, ये 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है। बेस फ्रिक्वेंसी इसकी 3.6 GHz है और इसकी जो मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है वो 4.2 GHz तक जा सकती है। और इसमें आपको 32 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाएगी। अनलॉक प्रोसेसर है और 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर आर्किटेक्चर के साथ ही आता है, जो कि वर्ल्ड मोस्ट एडवांस प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है आजकल की डेट के अंदर। और इसमें आपको PCIe 4.0 की जो टेक्नोलॉजी है, NVMe जो सपोर्टेड SSD है, वो आप भी इसके ऊपर हाई स्पीड SSD जो है वो लगा सकते हैं। और इसकी जो TDP है वो 65W के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेसर है दोस्तों, जिसका हम कंपैरिजन करेंगे 3600 के साथ, वो AMD Ryzen 7 2700X है, जो कि 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ आता है। उसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी 3.7 GHz है और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो 4.3 GHz आपको देखने को मिल सकती है। और इसमें आपको 16 MB की जो कैश मेमोरी भी देखने को मिल जाएगी, और ये भी अनलॉक प्रोसेसर है। और उसका जो प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है दोस्तों, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है और ये 12 नैनोमीटर के प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर के साथ आता है। और जो 3600 है दोस्तों, वो थर्ड जनरेशन के प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर के साथ आता है, इसलिए उसकी जो प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है वो 7 नैनोमीटर तक जा चुका हुआ है। और इसकी जो TDP है दोस्तों राइजन 7 2700X की, वो 105W के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम इंटेल के कोर i9 9900K के साथ, और ये कॉफी लेक सीरीज़ का प्रोसेसर है। और ये दोस्तों 14 नैनोमीटर की प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर के साथ आता है, और ये 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। उसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी दोस्तों वो 3.6 GHz है, और उसकी जो मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी है, बूस्ट फ्रिक्वेंसी, वो 5 GHz तक जा सकती है। और ये 16 MB की आपको कैश मेमोरी के साथ मिल जाएगा। उसकी जो TDP है दोस्तों, वो 95W के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें जो बेसिकली डिफरेंस है दोस्तों, को इसमें आपको इंटेल कोर i9 9900K के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको जो AMD के जो दोनों प्रोसेसर हैं 2700X और 3600, उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की जो फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल इनकी थोड़ी सी स्पेक्स की जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको दी। तो चलते हैं अब हम दोस्तों इन तीनों प्रोसेसर्स की गेमिंग बेंचमार्क की तरफ और प्रोसेसर बेंचमार्क की तरफ। तो ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर।
तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोशन सफर टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके अलावा आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। जो बेल का आइकन दोस्तों वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको जो वीडियो है हमारी तरफ से देखने को मिल सके और उनका जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे आपको मिल सके, क्योंकि हम डेली बेस पे इस तरह का ऑसम कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।